इसके साथ उन्होंने में बैठे थे, इसने हाथ उठाया मेरे ऊपर, ये पूछिए इनको, नहीं मारा चाटा नहीं मारा उसने। आप मुझे बताइए, पहले मुझे एक बात सुनो, आप मुझे बताइए उसने मारा कि नहीं मारा, ये बात कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए मारा कि नहीं मारा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बताओ, मैं मेडिकल करवाऊंगा, करवाओ कुछ हो रहा नहीं है, मेडिकल में तो सुनते ही नहीं है, मेरा फोन दीजिए मैं पुलिस बुला रहा हूँ, वो तो हम बुलाएंगे, गल करिए जी इन्हें चैटिंग की है, जवाब दो सर जी, ये है कि सेंड मी लोकेशन, मैं वो ही जगह खड़ा हूँ जहाँ था कहाँ हूँ, ये उसने कहा, उसने कहा रुक जाओ वहीं, कहाँ हो गया, हाँ सौरभ ने, ठीक है उमेश आपका नाम है ना, लिखा है तेल नाम है मेरा, ठीक है ठीक है, क्यों लिखे फोन तो आपने, हमने खाली खाली पड़ा है वैसे विजुअल्स बनाना, मैंने कहा है ठीक है, लंगर भी खाली है वैसे, उसने कहा कि ठीक है, वही तो बात बोली है, यही इसकी प्रॉब्लम है, ये हटता नहीं है, फिर हमने इसको रोका के भाई बात तो सुन ले पहले, फिर ये बोल रहा है कि हमने इसको मारा है, बोलिए ये बोलने नहीं देता, मैं भी आ जाता हूँ, और बताओ कहाँ हो बताओ, जस्ट अभी स्टेज कवर किया है और क्या करना है, कहना लंगर को, उसने मैसेज किया कि फुल रश है लंगर में, ठीक है बाकी लेफ्ट साइड से चलते चलते रोड रख लेंगे, अभी तो खाली पड़ा था, ठीक है कहाँ पर, फिर उसने कहा ठीक है, मीन्स की पहले वाली भीड़ नहीं है, ठीक है अगर मैं अगर कुछ कांड हुआ तो आ जाना, इसने कहा स्टेज के पास वाले लंगर के पास, इसने कहा भी उठे जा है ना, फिर इसने कहा कि अगर कांड हुआ तो आप आ जाना, खाली लंगर कहाँ है, अभी तो स्टेज फुल है, तो जहां से हमने एंट्री लिए वहां राइट में लंगर है, आ जाओ इतना काफी है, रुको, उसने कहा कि रुको और कुछ और भी है, इसमें कहा निकलते ही फालतू में कांड नहीं करना, आ जाओ, फिर इसने कहा हाँ, फिर इसने कहा कांड हो गया तो मैं फोन करूंगा, इसने पूछा कहाँ हो, इसने कहा कि अभी आ जाओ, इसने कहा अभी, इसने कहा अब बहुत हुआ, फिर इसने कहा कि कहाँ हो अपनी लोकेशन सेंड करो, फिर इसने कहा वो लंगर के विजुअल्स बनाओ खाली है, ठीक है किस लंगर के, इसने कहा वो और बैरिकेड से आगे आओ मैं मिल जाऊंगा, फिर इसने कहा स्टेज के साथ एक रेस्टोरेंट है वहां आ जाओ, जहां पे इसको पकड़ लिया था जब हमने, फिर उसके बाद इसके मैसेज आए, पकड़ा गया था भाई, ये चैटिंग मेरी बात सुना, पकड़ा गया था ये, बस फिर आप दोनों पीछे आओ, कार के पास चलना है, अब बाहर जाना है, ऑफिस फोन कर रहे हैं लाइव के लिए, चलो आ जाओ, आ रहे हो ना ऑफिस के, ऑफिस से कॉल आ रहे हैं, सौरभ भाई आ जाओ, चलो जितना भी है बहुत है, आ जाओ, जब जो इसने बताया कि वहाँ बॉस ने तुम कहाँ हो कर दो कांड आज ही, बॉस ने यस कर दिया है, पूरे जी की टीम रेडी है, कर दो, ये हमारे चैट नहीं है, ये आप लिख रहे थे, ये आप फोन मेरा इनके हाथ में था, वो खुद लिख रहे थे, फोन आपके पास, आपका मैसेज है पेमेंट ट्रांसफर कर दी या नहीं, बताओ टाइम बताओ, टाइम बताओ, फोन आपने फोन लिए थे, फोन को देखो, हाँ ये देखो, कॉल मी 13:49, ठीक है कहा हो, मैं आई एन एल डी के ऑफिस के पास हूँ, उसके बाद पंजाबी जायका होटल के आगे, तुम कहा हो ठीक है, ये 13:55 फोन है, यही भाई साहब मुझे अंदर लेके आए, और उसके बाद ये मैसेज देखो कर दो कांड आज ही 14:13 पे, जब मेरा फोन उस व्यक्ति के पास है, ये मैसेज मैं
पास से करूंगा। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरा फोन उस व्यक्ति के पास से, मेरा फोन, मेरा आईडी भी उसके हाथ में था। पत्रकार का धर्म निभाए, ये बताओ। मेरे सब सवाल आपके पास आती नहीं, ये बताइए सर। फोन दोनों का इनके पास है। आप देख लो, वहाँ सीसीटीवी लगा है सामने, लगा है उस कमरे में सीसीटीवी। एक मिनट, देखिए सीसीटीवी। चलो एक मिनट, एक चलो चेक करो। भाई साहब 13:55 को मेरा आखिरी मैसेज था, फिर मैं अंदर आया। मेरा फोन ये गलत हो रहा है रमन भाई, आप समझ रहे हो ये क्या खेल हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? पहले आपसे पास में मैं जब सब कुछ सच बोल दिया तो फिर आप ये क्या किए? उधर कौन कहाँ पर है? ये क्या कर रहे हैं? तेज ना नहीं, राम से अपना पहले आपकी बात तेज ना हो, राम से बात रखो। राम ना गल रखा, राम ना कोई तेन राम ना अपना पहलू लेना ले अपन काली तू एक्सक्यूज दे जो तरह हैगा पक्ष अगर रख तू लड़। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब मैं 13:55 पे मैं अंदर आया, मेरा फोन आई कार्ड पहले पहले एक मिनट करना, एक मिनट पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। पहले जो हम पूछ रहे हैं ना भाई साहब, पहले पूरी बात सुन लीजिए। ये आगे के 3-4 मैसेज जो झूठे हैं उसको पहले आप एक्सप्लेन करवाइए। जो आगे के, चलो कांड में कह रहा हूँ, कांड मैंने कांड उस सेंस में नहीं लिखा। एक मिनट, नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने उसको चलो कांड शब्द मैंने यूज किया, गलत यूज किया, वो मैं मेरी गलती हो गई, मैं माफी का माफी। हाँ एक मिनट, मैंने वही पहले सबसे पहले वही कहा कि मैं आया, मैंने माहौल देखा कि भीड़ कम है पहले के मुकाबले, तो मैंने कहा कि वही विजुअल बनाओ कि आखिरकार स्टोरी यही है कि भीड़ क्यों कम हो रही है। मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि भाई पहले के मुकाबले भीड़ कम है, वो विजुअल दिखाओ। दो चीजें, लेकिन एक मिनट, सर मेरी बात सुनिए, ये जो भी चैट हो रही थी ना, ये उसके पकड़े जाने के बाद की चैट थी। वो रिकॉर्ड ही कर नहीं पा रहा था। कांड करो, निकलो, खाली दिखाओ। एक मिनट, अब हो गया, अब आप भी थोड़ी पत्रकारिता का धर्म निभा लीजिए आप लोग भी। मैं भी उम्मीद करूंगा कि ये 13:55 पर मेरा आखिरी मैसेज है, तुम कहा हो फिर मैं अंदर आया हूँ, फिर ये 14:13 पर ये मैसेज जो किए गए हैं, ये मैसेज इन लोगों ने अपने हाथों से किए, इन लोगों ने अपने हाथों से किए हैं। आप इन लोगों ने अपने हाथों से किए हैं। दोनों के फोन इनके पास है, पासवर्ड उसके पास पासवर्ड भाई साहब पासवर्ड भी उसके पास था, पासवर्ड भी आपके हाथ की पंपे मेरे को देख, पासवर्ड भी उसके पास है। इनको मैंने पूछा कि भाई साहब आप सर आप एक कैमरा क्यों लेके खड़े हो, आप पूरा स्टेज बनाया हुआ है, आप ये इशू ये जो है ना आप बताइए आपने बोला कि नहीं हमने पाप किया, आपने बोला कि हमने पाप हुआ, बंदा कुछ भी नहीं बताइए। ये दो बंदे के अंदर पूरे भाई कोई कोई गला सुन लो, आप बोले हमें तो पाप हुआ, हमसे पाप हुआ हमें माफ कीजिए। हमने आज तक तुम्हारे को मैं जो बंदे की गल सुन लो पूछ लो भी उन्हें क्या पांच मैसेज जो है ना ये इस प्लीज 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 आप एक मिनट रुक जाइए, ये मैंने नहीं लिखा। आप बहुत
सबसे ईमानदार इंसान है, माना कि मैंने गलती की है। देखो हम रूटीन मीडिया कवरेज के लिए आए थे और कवरेज करने की कोशिश कर रहे थे, और जो जो भाई रूटीन कवरेज के लिए आए थे हम, जो होता है लाइव, जो सीन होता है लाइव दिखाने के लिए प्रयास किया था, ठीक है। जैसे ही एंट्री की, दो विजन बनाए, तीसरे स्टेशन के पास आए, भाई को पकड़ लिया, फिर भाई मैं मेरी टेबलेट लेने चला गया, मैं इसलिए हो गई, तो भाई ने फोन किया कि यार वो मुझे पकड़ लिया, आओ, मैं आ गया तुरंत। आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे से पाप होगा, ये तो माना है ना आपने, वो बता रहे हैं। नहीं, आपने बात किस सेंस में की, आपने कहा कि ये सब इतने तीन महीने से, नहीं कहा तीन महीने से हो रहा है, आपने कहा तीन महीने से हो रहा है, इनका बहुत बड़ा पाप हो रहा है, तो बात गलत क्या है? देखो तीन महीने हो गए इतने, दो महीने हो गए पंजाब च, इस अंदोलन और पूरा देश, इस वेले पूरा देश तबाह हो जा रहा है, तो यार तुसी किड्डा बड़ी गलती करी जाने हो, पूरा देश तबाह हो करन वाले लोगों के पक्ष भुगत रहे हो तुसी। तब मैंने कहा ये पाप हो रहा, कहा ना हमारे से ये बहुत बड़ा पाप हुआ, ठीक है, अब ये बात कही है ना, ये बात कही है। नहीं नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार आया, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आया, मैं तो पहली, मुझे नहीं पता। क्लियर होगी, यहाँ पे जो विजुअल्स हमने बनाए हैं वो खाली जो थे लंगर के, बुलाने और उस तो बाद अफसर भी गल करेंगे, और सारी गल जी पूरे देश के हरियाणा सरकार पत्रकार कोई धक्का नहीं होगा, कोई वधीकी तो नहीं करोगे, सब तो पहला तुसी पुछिया कि भाई इन्होंने तेनू फड़िया, तेरे नाल किसे तरह की कोई धक्का कोई वधीकी हुई, इन्हें मन्या धक्का नहीं कोई वधीकी, मतलब की है कि जो धक्का, एक मिनट, अगर धक्का वधीकी करनी होंगी तो सब तो पहला मेरी भी गैर हाजिरी के मुंडा फड़िया गया सी, इनू दो मतलब लड़के थप्पड़ मार भी सकते सी, लेकिन नहीं मारे, यदा मतलब की निकलता है कि मारन का कुटन की कोई भावना नहीं है, साड़ी एक ही गल है कि तुम साड़ी बहुत बड़ी शक्ति खड़े हो, पत्रकारां नूं पता होगा कि दो तीन वारी इत्थे जिहड़ा रौला पिया, तो मैं पत्रकारां दे सामने जा के माफिया मंग के आउंदा रहा कि जे साडे मुंडिआं ने भाई किसी पत्रकार नूं किसी नूं कोई गल कही है तो मैं माफी मंगदा, पहलियां आउंदिआं सार स्टार्टिंग दे विच सारे नैशनल मीडिया तो मैं दो वारी माफी मंगी इस गल की, जो साडे मुंडिआं ने किसी ना कोई ओही की है तो उन्होंने मतलब असं सॉरी फील करते हैं, तो मेरा मतलब है भी साडा किसी पत्रकार नाल झगड़ा नहीं है, किसी नाल कुट्टण मारन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अदारा की कर रहा है, मैं तुहानूं इह वी कहा सीगा, जिहने मैनूं इह वी कहा भी तुसीं सानूं प्रैस दे सामने ना लैके जाओ, साडी रोजी रोटी का सवाल है, साडी नौकरी चली जाओ, मैं कहा यार होर बड़े बड़े चैनल ने
अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਨੇ ਬੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕਣਾ ਲਾ ਲੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਪੀਡੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਕਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਮਤਲਬ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰਾਊਡ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੈਟ ਆ ਚੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪੜਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਪ ਕੀਆ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਇੱਕ ਔਰ ਬਾਤ ਬਤਾਊ ਮੈਂ ਜਬ ਹਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਆਈਏ ਭਾਈ ਹਮ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਪੀਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋ ਬਤਾਓ
तो उन्होंने ये कहा कि हम मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा पाप किया, हमें मीडिया के सामने मत लेकर जाओ। मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक ही तो हथियार है आपको नंगा करके दिखाने का, उस पर नहीं लेकर जाएंगे तो और हम आपको क्या कर पाएंगे। पुलिस को हम देने की इच्छा नहीं मान समझते कि पुलिस इसका क्या करेगी, कुछ नहीं होगा। आपके माध्यम से तुहाडे जरिए दे नाल पूरे देश दे विच पूरे वर्ल्ड दे विच इस गल ने निकल के बाहर जाना है। सो इसलिए इन्होंने जो कुछ ये मने ने माफिया भी मंगते रहे, साढ़े पैरी हाथ भी लाने की गल की भी सानू मीडिया के सामने ना करो, लेकिन असी महसूस करते हैं कि तुसी लगातार बहुत जोर ला रहे हो। अगर असी अज एड्डी वड्डी गल फड़ी है, अगर उन्होंने असी नहीं मीडिया के सामने लेके जावे तो जिंदा व्डा देश के लोगों के नाल ये लोग गदारी कर रहे हैं वो कि ना कि असी भी भागीदार बनेंगे, कि अगर असी यदा मतलब खुलासा ना कर सकेंगे तो इस करके तुहाडे सामने सारे पत्रकार वीर लैके आंदा है और इन्होंने नाल तुसी मतलब गलबात दे राही गलबात पूछो। आओ जी इतने बारी बारी सौरभ, पहले आप बात करो, पहले आप आइए यहाँ पर एक एक कर। इसके पास कोई आईडी आई कार्ड नहीं, ये भी सौरभ क्या बात है, क्या कर रहे हैं बताओ सौरभ। तो पत्रकार पूछ रहे हैं, मेरा नाम सौरभ है जी, जी। और कैमरा मैन हूँ मैं, और मैं शूट करने आया था, हमारे साथ रिपोर्टर पत्रकार थे एन जी। तो मैं पंडाल जी का पीछे से शॉट ले रहा था मैं, और पब्लिक भी थी, और ऐसा कुछ नहीं कि मैं गलत दिखा रहा हूँ। तो मुझे पाजी पीछे से एक बंदा भाई हमारा मिला कि भाई कहाँ से हैं आप, तो मैंने कहा मैं यूट्यूब से हूँ और काम कर रहा हूँ ऑनलाइन शूट। तो मुझे थोड़ा सा बोला हिटका आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे साथ रिपोर्टर पत्रकार नहीं था मेरे साथ। तो ये मुझे पकड़ के बोले कि आप कहीं कहाँ से हैं, बार बार बोल रहे थे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। जो भी है मेरा रिपोर्टर है वही बता पाएगा, मैं इतना कह नहीं सकता। मुझे जो कहा गया था मैं शूट किया, शूट के पहले ही किया, जो मुझे पकड़ लिया। नहीं मेरा ऑफिस का आई कार्ड नहीं है, नहीं मैं कुछ नहीं, मैं एक्चुअली आया ही था, फिर अंदर कुछ नहीं है मेरे पास, खाली कैमरा था और कुछ नहीं है। और एक रिपोर्टर हमारे मेरे साथ रिटेन रिपोर्टर है, उसने मेरे पीछे खड़े मैं जी के लिए कर रहा हूँ, जी हिंदुस्तान, जी हिंदुस्तान एक चैनल है उसके लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ रिपोर्टर है और कुछ नहीं। मैं और किसी मैं आपका अपना आई कार्ड किसे है? मेरा आई कार्ड भाजी है नहीं है, मैं एक्चुअली गाड़ी में ही रह गया, मैं निकालना भूल गया, क्योंकि आई कार्ड है गाड़ी में है, ऐसा गाड़ी में है आई कार्ड, गाड़ी में है मेरे को पता है जी। आई कार्ड की फोटो होगी आपके फोन में होगी, तो मैं आपको अभी फोन में, मेरे पास फोन नहीं है, फोन इनके पास ही है, मेरे पास नहीं है। एक्टिविटी के लिए आपको खाली स्थान की वीडियो बनाने के लिए बोला गया, नेगेटिविटी फैलाने के लिए लोगों में, आपको खाली लंगरों की खाली स्थानों की वीडियो बनाने के लिए बोला गया। मुझे मुझे ऐसा नहीं है, मेरे पास एक्चुअली चैट है, चैट है, मेरे को उससे पहले मुझे ही पकड़ लिया गया है कि आप कर क्या रहे। मैं उसी टाइम इन लोगों ने कि ये एक्चुअली देख रहे थे कहाँ पर, इसमें हमने देखा नहीं तो मुझे मिले नहीं है ना, ये मुझे मिले तो इन्होंने चैट किया, चैट देखा तो पाजी के हाथ में फोन। आप मान रहे हो कि वो वीडियो बनाने से पहले आपको पकड़ लिया, खाली खाली मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम जाके हम देख रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, बाद में इन्होंने चैट किया मुझे उसके बारे में, जो है चैट पे लिखा हुआ, मैं तो देखा नहीं मैंने। चैट पे आपने जवाब दिया है ना, इसने जेड़ी जेड़ी वो चैट है कि खाली दी लेनी है, ये लंगर दी नहीं लेनी, वो मैसेज किया इसको कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने मुझे खाली कैमरा दिया गया शूट करने हम के नहीं, हम आए थे। प्लीज एक महिला नहीं, इनको भी बुलाएंगे धीरे से, कोई चिंता की बात नहीं है, किसी को कोई कुछ नहीं कहेगा, वो तो पत्रकार है, सभी इसमें कोई दोबारा नहीं है। ये बात पूछना चाहते हैं भाई साहब कि चैट हुई है, चैट का मतलब होता है आपकी और उनकी बातचीत हो रही है व्हाट्सएप पे,
आपको पकड़े जाने के बाद की बात भाई मैं बेनती प्लीज 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 पकड़ा पकड़ के तो वहाँ इसे यहाँ लेकर आए। लेकिन चैट में ये बात कही गई है कि वो कही है मैंने मेरी बात खाली पंडाल दिखाना खाली लंगर दिखाना सारी बात बता रहा हूँ सच है वो बता रहा हूँ। हाँ जी मेरा नाम हितेन है, मैं आया था विजुअल बनाने अंदर एक बजे के बाद। मैंने पहले कहा कि हम पहले माहौल देख लेते क्या है क्या नहीं। देखा तो भीड़ मुझे, मैं पहले दिन से आंदोलन कवर कर रहा हूँ तो भीड़ मुझे लगभग 60-70% कम लगी और मुझे पता नहीं था कि ये तब तक पकड़ा गया है। तो मैंने इसको कहा कि इस तरह से थोड़े शॉर्ट्स ले लेना कि खाली लग रहा है माहौल, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिनों से आप सारे नेशनल चैनल पर देख रहे होंगे कि कितने खाली विजुअल चल रहे हैं। वो तो कभी मैंने बनाए भी नहीं और वो आज बनते भी नहीं क्योंकि मंच पे ऑलरेडी भीड़ है। तो लंगर के साइड थोड़ी भीड़ कम थी तो मैंने कहा कि लंगर के साइड भीड़ कम है वहाँ के भी बना लेना, क्योंकि पहले भीड़ होती थी अब वो भीड़ जाती जा रही है। तो मैं स्टोरी यही करने आया था कि आखिरकार लोग जा क्यों रहे, भीड़ क्यों कम हो रही है। उतने में इन्होंने पकड़ लिया, फोन ले लिए, आई कार्ड ले लिया, कैमरा इनके पास है, नेपल इनके पास है। कान शब्द का ये मतलब है कि पहले दिन से आप सबको पता है कि राष्ट्रीय चैनल से कितना विरोध हो रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय चैनल का। मैं मार खाया हूँ 7 जनवरी को, मेरे साथ जो महिला कलीग थी उसके साथ क्या क्या हुआ है वो सब कुछ ग्रुप में लिखा गया था। उसके बाद से विरोध बहुत बढ़ गया है। कांड सबका ये था कि मैंने कुछ पकड़ा जाए कुछ हो जाए तो भाई तू बच के निकल लेना क्योंकि यहाँ मारते हैं, इसलिए मैंने कहा कि कांड हो जाए तो बच के निकल लेना। मैंने कहा आप पढ़ लीजिए मैंने क्या कहा है कि कांड हो जाए तो निकल लेना बच के। स्टेज पर इसी स्टेज भरी हुई है, भरा हुआ है ना, जो विजुअल है देखिए ना, जो शॉट क्यों नहीं लिया है ना, लिया है आप देखो ना कैमरे में, आप कह रहे हैं साफ आप कैमरे में देखिए ना, चेक किया उसमें कोई शॉट नहीं है, कांड करके निकल जाना, छुपा के कैमरा, दिल्ली का जो लंगर है वहाँ पे छुपा के कैमरा, एक साइड पे ये बंदा खड़ा था। हम क्या क्या विजुअल लिए तुमने, इसलिए यहाँ पे हर एक घंटे आधे घंटे लॉन्ग शॉट चेक करते हैं, एक लॉन्ग शॉट लिया है उतने में वो पकड़ा गया, विजुअल बनने ही नहीं दिया गया, विजुअल बनने ही नहीं दिया गया, क्यों नहीं आई कार्ड है, आई कार्ड है गाड़ी में रह गया वो मेरे पास है ना, ये रहा मेरा आई कार्ड, ये देख लो ये मेरा आई कार्ड, जान दे ठीक है, टीवी नहीं करते हूं। पहले दिन से मैं इस आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। एक कांड शब्द पर कांड, एक कांड शब्द से क्या मतलब निकाल रहे हैं आप बताइए ना, मैं भी पत्रकारी हूँ, समझ रहे हैं कांड शब्द बहुत नेगेटिव, बताइए ना मैं भी पत्रकारी हूँ, बहुत नेगेटिव, क्या क्या नेगेटिविटी, कांड क्या होता है, क्या होता है कांड, मतलब हम अपने आपस में बात नहीं कर सकते, जैसे आप और अपना खुद का कैमरा मैन आपका आपस में बात करते हैं, काम करके अरे क्यों कांड, मतलब मैंने उस सेंस में लिखा उसको कि तू पकड़ा जाए या मारे ये लोग तो बच के निकल लेना, हाँ मारे क्यों मारे, मुझे चाचा मारा है उसने कहा गया ये रहा, नहीं किसी ने मारा, झूठ मत बोल रहा, मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ, चैटिंग क्यों दिखा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना मैंने लिखा है, आपने लिखा हुआ है, कोई मारकुट हुई है आज, हाँ इस भाई ने हाथ उठाया मेरे पर, पाजी आप इसके साथ में बैठे थे, इसने हाथ उठाया मेरे पर, ये पूछिए इनको, नहीं मारा आप मुझे बताइए, उसने मारा कि नहीं मारा, आप मुझे बताइए मारा कि नहीं मारा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बताओ, मैं मेडिकल करवाऊंगा फिर, कुछ मेरा फोन दीजिए मैं पुलिस बुला रहा हूँ, वो तो हम बुलाएंगे, वो तो हम बुलाएंगे, हम बुलाएंगे, आप पुलिस आएगी, पुलिस को तो हम बुलाएंगे, उसको हम बुलाते हैं, हम बुलाएंगे पुलिस आएगी, आगे रखिए पुलिस आएगी ना, मैं बुलाता हूं, अभी बुलाएंगे, हां बुलाइए, पुलिस को तो हम बुलाएंगे, यहां लगे आगे, आप फोन यहां रखो, फोन यहां रखो, देखो पाजी चलो आप उसके बारे में गल करिए जेडी इसने चैटिंग की थी है, आज चैटिंग सुनो जी, चैटिंग पीछे कर ले, चैटिंग सरसा जी पहला जवाब दो सरसा जी, ये है कि सेंड मी लोकेशन, मैं वो ही जगह खड़ा हूँ जहाँ था कहाँ हूँ, ये उसने कहा रुक जाओ वहीं, कहाँ हो गया
हाँ सौरभ ने, ठीक है, उमेश आपका नाम है ना, लिखा है स्पेन नाम है मेरा, ठीक है ठीक है। चैट क्यों लिखे फोन तो आपने, हमने खाली खाली पड़ा है वैसे विजुअल्स बनाना, मैंने लिखा है ठीक है, लंगर भी खाली है वैसे, उसने कहा कि ठीक है, वही तो बात बोली है अभी, यही इसकी प्रॉब्लम है, ये हड़ता नहीं है, फिर हमने इसको रोका के भाई बात तो सुन ले पहले, फिर ये बोल रहा है कि हमने इसको मारा है, बोलिए, ये बोलने नहीं देता, मैं भी आ जाता हूँ, और बताओ कहाँ हो बताओ, जस्ट अभी स्टेज कवर किया है और क्या करना है, कहना लंगर को, उसने मैसेज किया कि फुल रश है लंगर में, ठीक है, बाकी लेफ्ट साइड से चलते चलते रोड रख लेंगे, अभी तो खाली पड़ा था, ठीक है, कहाँ पर, फिर उसने कहा ठीक है, मीन्स की पहले वाली भीड़ नहीं है, ठीक है, अगर मैं अगर कुछ कांड हुआ तो आ जाना, इसने कहा स्टेज के पास वाले लंगर के पास, इसने कहा भी उठे जा है ना, फिर इसने कहा कि अगर कांड हुआ तो आप आ जाना, खाली लंगर कहाँ है, अभी तो स्टेज फुल है, तो जहां से हमने एंट्री लिए वहां राइट में लंगर है, आ जाओ इतना काफी है, रुको, उसने कहा कि रुको और कुछ और भी है, इसमें कहा निकलते ही फालतू में कांड नहीं करना, आ जाओ, फिर इसने कहा हाँ, फिर इसने कहा कांड हो गया तो मैं फोन करूंगा, इसने पूछा कहाँ हो, इसने कहा कि अभी आ जाओ, इसने कहा अभी, इसने कहा अब बहुत हुआ, फिर इसने कहा कि कहाँ हो अपनी लोकेशन सेंड करो, फिर इसने कहा वो लंगर के विजुअल्स बनाओ खाली है, ठीक है, किस लंगर के, इसने कहा वो और बैरिकेड से आगे आओ मैं मिल जाऊंगा, फिर इसने कहा स्टेज के साथ एक रेस्टोरेंट है वहां आ जाओ, जहां पे इसको पकड़ लिया था जब हमने, फिर उसके बाद इसके मैसेज आए, पकड़ा गया था भाई, ये चैटिंग मेरी बात सुना, पकड़ा गया था, ये बस फिर आप दोनों पीछे आओ, कार के पास चलना है, अब बाहर जाना है, ऑफिस फोन कर रहे हैं लाइव के लिए, चलो आ जाओ, आ रहे हो ना ऑफिस के, ऑफिस से कॉल आ रहे हैं, सौरभ भाई आ जाओ, चलो जितना भी है बहुत है, आ जाओ, जब जो इसने बताया कि वहाँ बॉस ने तुम कहाँ हो, कर दो कांड आज ही, बॉस ने यस कर दिया है, पूरे जी की टीम रेडी है, कर दो, ये हमारे चैट नहीं है, ये आप लिख रहे थे, आप लिख रहे थे, फोन मेरा इनके हाथ में था, वो खुद लिख रहे थे, फोन आपके पास, देखो खुद लिख रहे थे, आपका मैसेज पेमेंट ट्रांसफर कर दी या नहीं, बताओ टाइम बताओ, टाइम बताओ, फोन आपने फोन लिए थे, देखो हाँ ये देखो, कॉल मी 13:49, ठीक है, कहा हो मैं आई एन एल डी के ऑफिस के पास हूँ, उसके बाद पंजाबी जायका होटल के आगे, तुम कहा हो ठीक है, ये 13:55 फोन है, एक मिनट, एक इन्होंने बात भी की है फोन से, एक मिनट उसी टाइम पे, एक मिनट बात की है, यार आप बात ही नहीं सुनते हो, फिर कहते हो लोग मेरा फोन, जब से मैं एंटर हुआ हूँ, देखिए 13:55 को मेरा लास्ट मैसेज था इस व्यक्ति को, मेरे कैमरामैन को, उसके बाद यही भाई साहब मुझे अंदर लेके आए, और उसके बाद ये मैसेज देखो, कर दो कांड आज ही 14:13 पे, जब मेरा फोन उस व्यक्ति के पास है, ये मैसेज मैं कहां से करूंगा, मेरा फोन उस व्यक्ति के पास है, मेरा फोन, मेरा आईडी वाली इसके हाथ में था, पत्रकार नहीं सर, धर्म निभाए, ये बताओ मेरे सब कुछ सामान आपके पास था कि नहीं, ये बताइए सर, फोन दोनों का ही आप देख लो, सीसीटीवी लगाए सामने, लगाए उस कमरे में सीसीटीवी, चलो भाई साहब 13:55 को मेरा आखिरी मैसेज था, फिर मैं अंदर आया, मेरा फोन, ये गलत हो रहा है रमन भाई, आप समझ रहे हो ये क्या खेल हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, पहले आपसे पास मैं जब सब कुछ सच बोल दिया तो फिर आप ये क्या किए, उधर फोन कहाँ पर है, ये क्या कर रहे हैं, तेज में नहीं रहा है,
लेकिन मुझे ये बताइए कि जब मैं 13:55 पे मैं अंदर आया, मेरा फोन आई कार्ड, एक मिनट एक मिनट पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। पहले जो हम पूछ रहे हैं ना भाई साहब, पहले पूरी बात सुन लीजिए। ये आगे के 3-4 मैसेज जो झूठे हैं उसको पहले आप एक्सप्लेन करवाइए। आगे के चलो कांड में कह रहा हूँ, कांड मैंने कांड उस सेंस में नहीं लिखा, एक मिनट, नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने उसको चलो कांड शब्द मैंने यूज किया, गलत यूज किया, वो मैं मेरी गलती हो गई, मैं माफी का माफी। हाँ एक मिनट, मैंने वही पहले सबसे पहले वही कहा कि मैं आया, मैंने माहौल देखा कि भीड़ कम है पहले के मुकाबले, तो मैंने कहा कि वही विजुअल बनाओ कि आखिरकार स्टोरी यही है कि भीड़ क्यों कम हो रही है। आपने जो पूछा ना ये नहीं कहा मैंने, मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि भाई पहले के मुकाबले भीड़ कम है, वो विजुअल दिखाओ। नहीं दो चीजें, लेकिन सर मेरी बात सुनिए, ये जो भी चैट हो रही थी ना ये उसके पकड़े जाने के बाद की चैट थी, वो रिकॉर्ड ही कर नहीं पा रहा था। कांड करो, निकलो, खाली दिखाओ। एक मिनट, अब हो गया, अब आप भी थोड़ी पत्रकारिता का धर्म निभा लीजिए, आप लोग भी। मैं भी उम्मीद करूंगा कि ये 13:55 पर मेरा आखिरी मैसेज है, तुम कहा हो फिर मैं अंदर आया हूँ, फिर ये 14:13 पर ये मैसेज जो किए गए है, ये मैसेज इन लोगों ने अपने हाथों से किए हैं, दोनों के फोन उनके पास है, पासवर्ड भी उसके पास था, पासवर्ड भी आपके हाथ की कहां पे मेरे को देख, पासवर्ड भी उसके पास है। इनको मैंने पूछा कि भाई साहब आप यहां पे कैमरा क्यों लेके खड़े हो, आप पूरा स्टेज बनाया हुआ है, आप ये इशू निकाल रहे हैं, ये जो है ना आखिरी एक क्वेश्चन आप बताइए आपने बोला कि नहीं हमने पाप किया, आपने बोला कि हमसे पाप हुआ, कुछ भी नहीं बताइए, हमसे पाप हुआ, हमें माफ कीजिए, हमने आज तक तुम्हारे को पांच मैसेज जो है ना ये इस लड़के प्लीज आप एक मिनट रुक जाइए, ये मैंने नहीं लिखा। सबसे ईमानदार इंसान है, माना कि मैंने गलती की है। देखो हम रूटीन मीडिया कवरेज के लिए आए थे और कवरेज करने की कोशिश कर रहे थे, और जो भाई रूटीन कवरेज के लिए आए थे हम, जो होता है लाइव, जो सीन होता है लाइव दिखाने के लिए प्रयास किया था, ठीक है। जैसे ही एंट्री की, दो विजुअल
टेबल बनाए, तीसरा स्टेशन के पास है, भाई को पकड़ लिया। फिर भाई मैं मेरे टेबलेट लेने चला गया, मैं इसलिए हो गई, तो भाई ने फोन किया कि यार वो मुझे पकड़ लिया, मैं आ गया तुरंत। आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे से पाप होगा, ये तो माना है ना आपने, वो बता रहे क्या गलत? नहीं, आपने बात किस सेंस में की, आपने कहा कि ये सब इतने तीन महीने से, नहीं कहा तीन महीने से हो रहा है, आपने कहा तीन महीने से हो रहा है, इनका बहुत बड़ा पाप हो रहा है, तो बात गलत क्या है? और पूरा देश इस वेले पूरा देश तबाह होने जा रहा है, तो यार तुसी किड्डा वड्डी गलती करी जाने हो, पूरा देश तबाह होने करने वाले लोगों के पक्ष भुगत रहे हो तुसी। तब मैंने कहा ये पाप हो रहा है, कहा ना मैंने हमारे से ये बहुत बड़ा पाप हो, ठीक है बात, अब ये बात कही है ना, ये बात कही है, नहीं नहीं मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार आया, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आया, मैं तो पहली, मुझे नहीं, इन्होंने ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे जो विजुअल्स हमने बनाए हैं वो पाप की, खाली जो थे लंगर के, चलो हमारे से पाप की एक्शन लेने जा रहे हो, सानू दसो। असि एक तो हूँ इन्होंने पुलिस के हवाले कराव जी, जी पुलिस जी छड़ दी सारे, देखो बेशक छड़ दे, पर हूँ पुलिस असं अपनी तो नहीं ना बना सकते, पुलिस तो उही रहेगी जिहड़ा संबंधित एस एच ओ है, एस एच ओ कुंडली उन्होंने असं फोन करते हैं, उन्होंने बुलाने हैं, और उस तो बाद असं अफसर भी गल करेंगे, और यह सारी गल जी पूरे ये देश के हरियाणा सरकार मनिए गए ना, पत्रकार कोई धक्का नहीं होगा, कोई वधीकी नहीं करोगे इन्हों, असं पूरी तरह रख मारे यह कुछ नहीं होना, कोई थप्पड़ नहीं मारे, बिल्कुल सब तो पहला तुसी पुछया कि भाई इन्होंने तेनू फड़िया है, तेरे नाल किसे तरह की कोई धक्का कोई वधीकी हुई, इन्हें मनिया मतलब की है कि जो धक्का, एक मिनट, अगर धक्का वधीकी करनी होंगी तो सब तो पहला मेरी भी गैर हाजिरी के मुंडा फड़िया गया सी, इन्हू दो मतलब लड़के थप्पड़ मार भी सकते सी, लेकिन नहीं मारे, नहीं ए मतलब की निकलता है कि मारन का कुटन की कोई भावना नहीं है, साड़ी इको गल है कि तुम साड़ी बहुत वड्डी शक्ति खड़े हो, साड़ी शक्ति प्रेस है, साड़ी शक्ति खड़े हो, साडे सामने गल आ गई, अज पूरे वर्ल्ड के सामने गल करी जानी है कि किस तरीके दे नाल जेड़ा असी कह रहे सी, जेड़ा सारा देश कह रहा सी भी गोदी मीडिया शब्द यूज हो रहा सी, हालांकि थानू इस गल दा पत्रकारां नू पता होएगा कि दो तीन वारी इत्थे जेड़ा रौला पिया, ते मैं पत्रकारां दे सामने जा के माफिया मंग के आउंदा रहा कि जे साडे मुंडिया ने भाई किसी पत्रकार नू किसी नू कोई गल कही है तो उहदी मैं माफ़ी मंगदा, पहली गल आउंदा सर स्टार्टिंग दे विच सारे नैशनल मीडिया तो मैं दो वारी माफ़ी मंगी इस गल की, जे साडे मुंडिया ने किसी ने किसी ना कोई इहो जी कीती है तो उहनू मतलब असी सॉरी फील करदे हां, तो मेरा मतलब है भी साडा किसी पत्रकार नाल झगड़ा नहीं है, किसी नाल कुट्टन मारन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अदारा की कर रहा है, मैं तुहानू इह भी कहा सीगा, जिन्हें मैंने यह भी कहा भी तुसीं सानू प्रेस के सामने ना लैके जाओ, साडी रोजी रोटी का सवाल है, साडी नौकरी चली जाऊ, मैं कहा यार होर बड़े बड़े चैनल ने, अगर तुसीं कितें दिल खोल के गल्लां रखदे हो सामने भी सानू आह करवाया जा रहा है, तो बड़े चैनल होर ने, बड़े मीडिया होर है जिहड़ा तुहानू हिकना ला लूगा भी यार सच्ची गल उन्होंने गंद नहीं फैलाया और सच्ची गल मतलब कढ़ के बाहर रखती, तो तुहाडे वास्ते सैकड़े दरवाजे होर खुलणगे, तो इस करके तुसीं इह गल कर रहे हो, गलत कर रहे हो। यह मुंडे ने कहा कि बे ठीक है जी गल, असीं मतलब बहुत बड़ा पाप किया है तो असीं माफ़ी मंगते हैं, यह भी गल कही है भी असीं माफ़ी मंगते हैं। दीपक जी मैं दसना चाहुंदा जदों शुरू दे विच मौसमी नाम की लड़की दे नाल इत्थे भीड़ भी गोदी मीडिया से जिहड़ा गुस्सा सी, एक गोदी मीडिया से जो गुस्सा सी ओ जदों गल चली तो नौजवानों गुस्सा सी कि गोदी मीडिया जिहड़ा है ये साडियां खबरां गलत दे रहा है,
उस लड़की नू जदों पढ़िया गया ते उस लड़की नू जदों मैं छड़ाया ते मैं उसनू अपनी पोती दा रुतबा दिता कि ये तुहाडा मीडिया च आया सारी गल और वह मैनू कहण दे बावजूद मतलब कहण दे लोकां ने जिहड़े नौजवान गुस्से च सी उन्होंने किहड़े किहड़े लफ्ज़ मैनू वरते असी उस चीज़ दे नहीं असी जिहड़े पत्रकारी करदे ने यह गल कही कि जिहड़े पत्रकार ने इहनां दे पेट दा सवाल है ये मुलाजम ने इहनां दा कोई कसूर नहीं जो इहनां नू हदायतां हुंदियां ने ये उस हिसाब नाल इत्थे आके काम करदे आ ये साढ़े बच्चे ये भी साढ़े बच्चे साडा इहनां नाल कोई चक्कर नहीं इहनां नाल जुड़ तुहां सवाल कीता भी कोई नहीं ना असी पिछे तक ना पिछे कीता ना करन लड़कियां जिहड़ियां उह साडियां बच्चियां ने लड़के जिहड़े ने उह साडे बच्चे ने असी कानूनी कार्रवाई जिहड़ी आ उह करांगे ते पूरी दुनिया दे विच इह गल पहलां वी रख चुके आ और सरकार दी जिहड़ी मनसा है क्योंकि सरकार दी तरफों काम कर रहे ने सरकार दी जिहड़ी मनसा है उह असी लोकां दे सामने रख रहे हां कि इह मीडिया दे राहीं लोकां दे राहीं साडे इस एजीटेशन नूं किस किस तरीके दे नाल इह जिहड़ा उह आरपीडो कर रहे ने उह सारी गल असीं तुहाडे राहीं जिहड़ा लोकां च रखने असीं किसे किस्म दा इहनां नाल कोई इस तरहां दा एक्टिविटी फैला रहे हैं लोकां नूं दिखाता हां इहनां नूं नहीं सच्चाई आपां कुछ नहीं कह दईए इहनां दे खिलाफ कार्रवाई करो कार्रवाई तां कोई नहीं पंजाब के पत्रकार वीरां नूं अज एक गल बहुत अजीब तरह की गल जी सामने आई है कि लगातार साढ़े जी मीडिया वालों नैगेटिविटी साढ़े अंदोलन के खिलाफ फैलाई जा रही थी जिदे वास संबंध के एक बार राज्यपाल जी ने यह भी कहना पाया भी इन्हों के खिलाफ असी मतलब केस रजिस्टर करवावे जे ये जहाँ कुछ कर रहे हैं लेकिन अज जो कुछ सामने आया उहदे चों इह निकल के गल आ रही है कि ये तीन वीर जिहड़े खड़े ने ये जी मीडिया के पत्रकार ने इन्हां कोले जी मीडिया का आइडेंटिटी कार्ड है इस इहदे कोले कोई पत्र मतलब पत्रकारिता का आइडेंटी कार्ड नहीं है इस लड़के दी ते इस लड़के दी आपस में जो चैट हो रही है मोबाइल ते वो मोबाइल दी जिहड़ी चैट आ वो बड़ी खतरनाक तरह की चैट है उहदे ते ये कह रहे ने